जी न्यूज पेपर में दर्शकों नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंधी कॉलोनी में बीती रात्रि को एक गोदाम का ताला तोड़कर का सामान चुराया गया है। यहाँ पे यहाँ से क्या नाम क्या नाम आपको? आकाश गुप्ता। क्या घटना हुई थी सर? रात को 9:45 बजे हम ताला वगैरह लगा के कंप्लीट चेक करके और घर निकल गए थे। फिर सुबह हमको भाई साहब ने सूचना दी कि आपका दुकान का ताला टूटा हुआ है, ये गली का ताला है नहीं, उस पर देखा पाया 3 कार्टून ओसवाल साबुन जो आता है छोटा वाला उसके गायब थे, एक दो पेटियाँ शैम्पू की गायब थी। फिर आके देखे हमने और ढूंढा, पाया भाई किसी ने वो आ जाए कैमरे की वीडियो चेक करी, लेकिन वो वीडियो कल मिल पाएगी, वीडियो आज नहीं मिल पाई। सीसी कैमरे लगे हुए हैं, लगे हुए उनका सिस्टम कल चालू हो जाएगा, कल उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनको, रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। फिर मैंने आपको सूचना दी है इस चीज़ की। हाँ, सिंधी कॉलोनी में कितने का नुकसान हुआ जी? करीब 6,000 रुपये का नुकसान है। 6,000 रुपये का बीती रात में ये ताला तोड़ा था गोदाम का? हाँ जी, ये कुंडी में ताला लगा हुआ तो मैंने ठीक करवा के नए लॉक लगवा लिए है। इस कुंडी में से ताला तोड़ कर ताला फेंक दिया, ताला भी अपने साथ ले गए। और इससे पहले अभी इनकी गले में चोरी हो गई, एक दो तीन बार चोरी, दो बार पहले चोरी हो चुकी है, गल्ले में भी चोरी हो इस जगह को ज्यादा थाने से 100 मीटर गल्ले में से पैसे निकाल के लेके 5 मिनट के अंदर गल्ले में से 10-15 दिन पहले दिन दहाड़े ही थाने से 100 मीटर 1:30 बजे पर सिंधी कॉलोनी थाने से सिर्फ 100 मीटर दूर है, लेकिन पुलिस का कोई पहरा कोई गश्त कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। चोरियाँ दिन पे दिन बढ़ रही है, नशे बिल्कुल, यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का कैसा भी ध्यान नहीं है। बार बार इस चीज़ का हम बताते हैं, सूचना देते हैं, लेकिन कभी प्रशासन को इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और आम जन को पता नहीं क्या नुकसान होता होगा, या बगल के बगल में थाना होते हुए थाने की दीवार सामने दिखती है, उससे पहले भी 6 महीने पहले घटना हुई, उस वक्त वालों के यहाँ 60,000 रुपये नकदी चोरी हुई थी बिल्कुल थाने वालों के बगल में से, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मैंने आपको सूचना के माध्यम से अवगत कराना चाहा कि आप इसको देखो। दोस्तों कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या स्थिति है गंगापुर सिटी में, ये नशेबाजों ने गंगापुर सिटी में तेल का मचा रखा। अभी भी हमने खबर चलाई थी श्याम मंदिर पे भी, उसी खबर को देखते हुए हमने आपको सूचना दी है, और सुबह भी हमने एक खबर चलाई थी बस में से सामान उतारते हुए की वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। सीसी कैमरे लगे हैं, यहाँ पर और सीसी कैमरे फुटेज हम देखेंगे और लोगों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिर थाने से 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन यहाँ पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, ना पुलिस का कोई जाब्ता, ना गश्त, ना पहरा, बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन का ही देख रहे हैं, गंगापुर सिटी में नशेबाजों ने कहर बरपा रखा है, आए दिन कागज टूटे हैं, छीना झपटी हो रही है। एक दुकानदार किसी रात्रि को भी दुकान बढ़ा के जा रहा था, जूते चप्पल वाला, उसका भी मोबाइल छीना झपटी हुई है, मोबाइल छीन लिया, उसके लगे 19,500 रुपये का उसका। देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।